सुनाओ। बैठो। अजकल केड़े इलाके नू भाग ला रहे हो सरपंच साहब? अजकल तरन तरन ड्यूटी आ। की हाल है उस इलाके दा? हाल का दा बड़ा माड़ा हाल आ। अतवादियां ने नक च दम कीता आ। अतवादियां के खाड़कुआ? ये तो अपने आप नू खाड़कू ही कहिंदे आ, पर साडे लई तां अतवादी आ। चलो मान लैने आ, पर ये चंगे भले घरां दे बच्चे इस राह ते क्यों तुरे? कदी विचारिया तुसी? साडे कोल इन्ना वक्त किथे? बस यही बदकिस्मती है सिख कौम दी ते तुहाडी वी। तुसी सिख होके कौम प्रति कुछ नहीं विचारदे। 1947 तो लैके हुण तक पंजाब नाल बेइंसाफी हुंदी आई आ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पंजाब नूं सिर्फ सिखां दा सूबा मन्निया गया है। इथों दी बिजली, इथों दा पानी, इथों दे इलाके सब केंद्र ने खोले। सिख विचारे रौला पाउंदे रहे, पर पंजाब दे हिंदू वीरां ने पंजाबी हुंदे होए भी सिखां दा साथ ना दिता। निक चंद जी, ये तुसी कह रहे हो? तुसी तां आप हिंदू हो। मैं सच्चा ईमानदार जागदी जमीर वाला हिंदू हां। हक सच लई सारी उम्र लड़िया। जे पंजाब दे हिंदू सिखां दा साथ देंदे तां ए हालात नहीं सी बनने। राजां लई वध अधिकारां दी मंग किन्ने राज कर रहे ने? जे सिखां ने वध अधिकार मंग ले तां उहनूं खालिस्तान दी मंग कह के सिखां ते जुल्म करन दा बहाना बना लिया। श्री दरबार साहब ते फौज चढ़ाउणी ए किधर दी बहादुरी है? जे पिंडरां वाला दरबार साहब दे अंदर ना हुंदा तां दरबार साहब ते अटैक नहीं सी होना। चलो मान लेने आ कि दरबार साहब ते पिंडरां वाले करके अटैक होया, पर जेड़े होर 39 गुरुद्वारां ते अटैक होया उत्थे केड़ा पिंडरां वाला सी? संधु साहब, सच्चाई तां ए आ कि पिंडरां वाला दरबार साहब ना भी हुंदा तां अटैक तां भी होना सी। संधु साहब, जदों उत्तरांचल विच चक्राते दियां पहाड़ियां विखे दरबार साहब दा मॉडल तैयार करके हमले दियां रिहर्सलां कीतियां गईयां उदों ते अजे पिंडरां वाला दरबार साहब आया ही नहीं सी। की कह रहे हो नेकचंद जी? ठीक कह रहे हां, सिर्फ ड्यूटी ना वजाया करो, कुछ पढ़िया सुनिया विचारिया भी करो। दरबार साहब ते हमले दा मकसद सिख कौम नूं दुनिया विच सिर्फ बदनाम करना सी, ते ए सोच सी उस वेले दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी। एक गल दा जवाब दियो, उंज तां कहिंदे आ कि सिख कौम वखरी कौम नहीं, पर दरबार साहब विच भारतीय फौज ने सिख संगत नाल वखरी कौम वाला सलूक कीता। जदों आर्मी परिक्रमा विचों लाशां चुक रही सी तां एक औरत दी लाश ते बच्चा पिया सी। जदों उस नूं चुक्किया तां ओह रो पिया। फौजी ने कहा इह तां जिउंदा है। दूजे सिपाही ने उहनूं लत्तां तों फड़ के जोर नाल कद च मारिया ते कहिंदा लै हुण मर गया। इसे तरह जदों लाशां दा पोस्टमार्टम हो रहा सी ते उहनां विच एक सिख सहक रहा सी ते डाक्टर ने कहा ले जाओ, इस दा पोस्टमार्टम नहीं होना, इन वार्ड विच दाखल करवा दियो। एक फौजी अफसर उन्हें चुकवा के बाहर ले गया। बाहर ले जाके उसनु गोली मार दित्ती ते फिर अंदर ले आया, कहिंदा ले हुण करो इस दा पोस्टमार्टम। ये तुहानू किसने दस्या? मैं ये सब रिटायर्ड अफसर A.R. दर्शी दी किताब जांबाज राखा विच पढ़िया है। ये हरकतां तां सैना नूं सोभा नहीं दिंदियां ते पुलिस जो नजायज मुकाबले बना के नौजवानां नूं खत्म कर रही है ए पुलिस नूं शोभा देंदा? सब पासे सिख कौम नाल ज्यादतियां हो रहियां ने। समय समय सुहिरद लीडरां ने इन्हां ज्यादतियां दे खिलाफ आवाज भी उठाई है, पर ए एहसान फरामोश लोग परवाह नहीं करते। इस दा कारण है सिख कौम दी वंड, सिख कौम दी खुदगर्जी, सिख लीडरशिप। जिस हाथ लोगों ने कौम दी वागडोर फड़ाई सी ओही लीडरशिप लालच दे समुंदर च गर गई। पर
पंजाब दा पानी, पंजाब दी बिजली ते पंजाबी बोलते इलाके सब खोआ के रख देते इस लीडरशिप ने। ते एथों दी जवानी नू सुट दिता नशिया दी अन्नी दलदल विच, अपने वोट बैंक बनाउन दे चक्कर च डेरावाद नू धर्म तो भी अगे लिया के खड़ा कर दिता। समझो साहब, अज लोड़ है सिख कौम नू जागन दी। इना वक्रे वक्रे दलां, इना वक्रियां वक्रियां परंपरावां तो उपर उठन दी। जे अज समुची सिख कौम एक मंच ते खलो के एक झंडे हेठ इकट्ठी होके एक जयकारा छड़ दवे तां भारत सरकार थर थर कंबल लग पवेगी। पर अफसोस, तुहाडे वर्गे, माफ करना कौड़ी गल करन लग्या, तुहाडे वर्गे रोटी लई विके सिख कौम च एका नहीं होण दिंदे।